अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है संडे का दिन और मेरे साथ मौजूद है इस टाइम दानियाल भाई, जो मेरे क्लास फेलो हैं यूनिवर्सिटी में, और हम यूनिवर्सिटी में ही खड़े हैं। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और आज हमारा टूर जा रहा है। ये भी नहीं पता कि कहाँ पे जा रहा है अभी तक, ये नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम सबसे पहले पहुँच गए हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अभी बस बच्चे आएँगे और बसें वगैरह भी आ जाएंगी, तो फिर हमने जाना है आगे। और तो इतनी देर में हम अपने बाल वगैरह थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि थोड़े से अच्छे दिख जाए। जैसे आप लोग कभी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और उसके वॉशरूम में जाते हैं ना, तो चले आया आपको ज़रा डिपार्टमेंट के वॉशरूम में लेके चलते हैं। भाई कैमरे में हाथ हिला दे, अपना जरा तारुफ कराए। आई एम मिया जुबैर, इनक्रेडिबल शॉट, वेरी शॉट। फोन नहीं आया, पौने सात हो चले ने कि मैं ही छेती चला वा। मैं दानी ने फोन किया जो ने कहा ना भाई मैं ते, मैंने ओदो हौसला मिलया। ले दानी रे मेरा नहीं यारी, एरगला एरगला कहो जा लग रहा है मुतमैन बगैरा तो लग रहे। अफ साहब थोड़ा लेट है, गैंग्स ऑफ वासेपुर। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? तकरीबन बसें वगैरह सारी आ चुकी हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी आ चुके हैं। अभी सामने देखें ज़रा, मेरी क्लास के दोस्त आए। वाओ चूरियल वाओ। गाजी भाई वेट कर रहे हैं कि सब स्टूडेंट आ जाएं और फिर हम रवाना हों। ऐसा हर रिक्शे दे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो तालिबे इल्म पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि अटेंडेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, और आज यहाँ भी अटेंडेंस लगानी है, जो कि अच्छी बात भी है सेफ्टी पर्पस के लिए। लो भाई सजनों ते मित्रों, गड्डी साड़ी चढ़ गई है मोटरवे ते, ते हुण मरासी पुणे दा भी हल्का जिहा टच होण लग्गा शुरू। ते वेखण वालियां नूं दरख्वास्त कीती जांदी है कि जिथे इन्हां टाइम फजूल कम्मां दी टेंशन च गुजारदे हो, तो थोड़ा जिहा टाइम इस इंटरटेनमेंट वास्ते भी कढ़ो, तो पूरा व्लॉग वेखो, तो मैं मिलना तुहानूं थोड़ी देर तक। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ, ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ।
ਚਮਕਣੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਗੜਖਾ ਕੇ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਪਜਾਂਦੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਬੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਓਏ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਰ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਮੋਟਰਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਖਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਲਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲੈਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲਰ ਕਾਰ। सो फाइनली वी अराइव्ड एट कलर कहार, लेकिन बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। सो अभी हम कलर कहार से ऊपर एक पहाड़ी पे दरबार पे आए हैं ताकि जिस किसी ने भी नमाज वगैरह पढ़नी है पढ़ ले, कोई फ्रेश होना चाहता है तो फ्रेश हो रहा है। कलर कहार तो पहुँच गया, लेकिन ये कलर कहार कम और जो आइलैंड ज़्यादा लग रहा है। कोई नहीं, अब मज़ा तो करना है, इंजॉय करते हैं अभी। लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं झील की तरफ। कलर कार में से एक अच्छी जगह ये मिली हमें, झील, जहाँ पे हम बोटिंग करेंगे, हैं कश्ती चलाएंगे। ये जी बोटिंग करते हुए हमारे साथ हाफिज मौजूद हैं और दिखाते हैं भी आपको। चल भी आप तो इधर ही ठीक है। हाफिज साहब की इंस्ट्रक्शन ले ली हमने, ले भाई अज तो एक्सरसाइज पैरों की इतें ही हो गई। जरा मैं संडे खेल इतने खेल लिया मैं। इट्स अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड बोटिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आया। बोटिंग का टाइम 20 मिनट का था तो तकरीबन एंड होने वाला है, तो अब हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग करने या कह लें कि हाइकिंग करने। तो चले चलते हैं, फुल ट्रैकिंग वाला सीन है अभी और बहुत ज़्यादा सांस चढ़ी है और ये सब लोग ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। गाजी भाई सबसे आगे हैं, हमारी क्लास की सीआर यहाँ पे भी क्लास को लीड कर रहे हैं। हफ्ज़ा अतला दे, हमज़ा अतला दो, हमज़ा अफजल
ਦਾਨੀ ਰਾਜੀ ਬਾਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਵੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੂਰ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨੀਚੇ ਸੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਤੇਰਾ ਉਹੀੜਾ ਉਹ ਜੀ ਓਏ ਬਾਜੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੋ ਜਾਓ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ सर मुनव्वर भरपूर अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए बच्चों से कह रहे हैं कि बसेस में बैठें ताकि हम वापसी के लिए रवाना हो सकें ते नचण दा प्रोग्राम भी होने लगा है शुरू वेखण वालियां नूं दोबारा दरख्वास्त की जाती है कि अपनी अपनी सीट बैल्टां बन लैन ते मजबूत पक्के होके बह जाण चलो बई तकरीबन 6:30 हो चुके हैं और अभी हमने यहाँ पे स्टे किया है 20 मिनट का यहाँ पे स्टे है हम वापस जा रहे हैं और बस फिर निकलते हैं स्टे के बाहर सो फाइनली वी अराइव्ड एट डिपार्टमेंट तकरीबन 10 बज रहे और हम डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर व आफियत से डिपार्टमेंट में आ गए और कोई भी परेशानी हमें फेस नहीं करनी पड़ी तो अभी टूर का इख्तिताम होता है मिलेंगे किसी नए एपिसोड में तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़